सास बहू की लड़ाई जो हर घर की कहानी है, कसूर किसका होता है? मर्द का। नहीं अभी नहीं। आपके अभी तक शादी नहीं? अभी नहीं। क्यों नहीं? बस ऐसे ही। क्यों, दिल नहीं किया या किसी ने शादी की? ब्रेकअप हो गया। कि सास चंगी होए नहीं ते फोटो टंगी होए, इसमें कितनी सच्चाई? शादी के बाद जो है ना बंदा प्रैक्टिकल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसा क्यों? क्योंकि सारा एंजॉय वो पहले ही कर लेता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही मज़ेदार से टॉपिक के बारे में। एक सवाल पूछ के लेकर आए हैं हम आप सबके लिए, और सवाल ये है, क्या मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं? क्या उनका वो जो है कॉन्सेप्ट या फिर उनका वो मेंटल स्टेट नहीं रहता जो शादी से पहले था? ये सब पूछेंगे आज की हमारी वीडियो में, जानेंगे यहाँ के लोगों के मज़े मज़े के ओपिनियन हमारे साथ रहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी सारी की सारी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए लोगों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फैसल अब्बास। मैडम आपका नाम? मारिया खान। मारिया खान, मारिया ये बताओ क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो मारिया। आज का हमारा एक क्वेश्चन है और वो आपने मुझे बताना है कि सास चंगी हो पंजाबी आती है? थोड़ी बहुत आती है, मतलब समझ आ जाएगी। सास चंगी हो नहीं तो फोटो टंगी हो, इसके बारे में क्या कहो? समझ नहीं आएगी। नहीं समझ आएगी, मामू जी समझाए। क्या बोला? सास चंगी हो नहीं तो फोटो टंगी हो। सास चंगी होए? सास चंगी होए नहीं ते फोटो टंगी होए। नहीं ते फोटो टंगी होए आपको आगे के अगर सास हो तो वो अच्छी हो, यही तो मर जाए। अच्छा सर ये बताए कि क्या मर्द शादी के बाद बदल जाता है? शादी हुई? नहीं अभी नहीं हुई। आपके अभी तक शादी? नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं हुई? बस ऐसे ही। क्यों, दिल नहीं किया या किसी ने शादी की? नहीं, ब्रेकअप हो गया। क्या राज है? ठीक कह रही है जी, ब्रेकअप हो गया। हां क्या कहानी? बस कहानी कुछ छोड़े। क्यों कहानी कुछ रोने लग गए? नहीं नहीं बस ऐसे ही। किसकी तरफ से दिल टूटा? किसी ने तोड़ दिया या आपका आपका टूटा? बस तोड़ दिया किसी ने। किसी ने तोड़ दिया? हां बेवफाई हुई। बिल्कुल वो बेवफा है, तू बेवफा है। सर बेवफाई करती है, सारे बोलो बेवफा है ना। अच्छा सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है, मर्द क्या शादी के बाद बदल जाता है? नहीं। क्या लड़की प्यार के बाद बदल जाती है? ये अच्छा था ना। अच्छा चलो मुझे ये बताएं सर, सास बहू की लड़ाइयाँ तो घर घर की कहानियाँ आपने भी देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी। ये बताएं कि सास बहू की लड़ाई में किसका जो है ना ज़्यादा कसूर होता है? दोनों का होता है। सास का ज़्यादा कसूर होता है? सास का ज़्यादा। आखिर क्यों है वो? क्योंकि पप्पे कुटनी की होती है। वो बेटी समझती नहीं है ना, किसी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझती, इसी वजह से फिर वो इसी वजह से होता है। अच्छा आपको क्या लगता है कि जब लड़ाई होती है तो बेटे को ज्यादा माँ पंप करती है या फिर मियाँ को ज्यादा बेगम पंप? दोनों ही करती है। अपने आज तेरी माँ ने ना चंगी नहीं की थी। आपको क्या लगता है सास बहू की लड़ाई जो हर घर की कहानी है, कसूर किसका होता है? मर्द का। अच्छा मर्द का कसूर क्यों होता है? क्योंकि कनेक्शन वो है ना दोनों में, सास और बहू में, तो मेरे ख्याल से उसको इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, और मेन इशू उसी के एंड से आता है, इसी वजह से लड़ाई आती है। आपका नाम? नूर। एग्जैक्टली यस। नूर मुझे ये बताओ, ये कहा जाता है आम मिसाल है, सास चंगी हुई पंजाबी आती? नहीं, जरा सी भी नहीं आती। चलो मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आपने मुझे बताया आपको समझ आई है या नहीं, ठीक है? सास चंगी हुए नहीं तो फोटो टंगी हुए। आपको ही समझाइए सास अच्छी हो नहीं तो फोटो लटकी हो। आगे है क्या मतलब फोटो लटकी होने का? क्या मतलब? मरी हुई हो। ठीक है अब आपको बताओ कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, क्या ये चीज़ सही है या मतलब लाइक क्या ओपिनियन देती हो इसके बारे में? सास चंगी हो नहीं तो फोटो टंगी। हाँ बिल्कुल सही है, कोई भी बलकार अच्छा हो तो नहीं हो कोई ना सफर हस्ती से मिट जाए। हाँ। आपको क्या लगता है सास बहू की लड़ाई में किसका कसूर होता है? मतलब मेरे जहन के मुताबिक है ये कि ये दोनों पार्टियाँ जो सी है ना, दोनों के कसूर होता है, दोनों पार्टियों का कसूर होता है।
तो दोनों ही इसी तरह ही करती हैं, अगर वो कभी सास ने कर दी कभी बहू ने कर दी इसी तरह ही। वो सास बहू वाला वो ड्रामा तो देखा हो ना, तो कभी सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी वही वाला सीन हो जाता है बस। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि जब आपकी बेगम साहिबा की आपकी अम्मी जान से लड़ाई हो जाती है तो आप जब घर जाते हैं तो घर जाके बेगम का पहला जुमला क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन? बेगम साथ आई है? नहीं साथ तो नहीं आई है। चलो कोई बात नहीं, खैर है, हंस तो कोई शर्मा तो रहा है बैक स्टेज। बताए कौन? अल्लाह माफी। क्या कहती पहले? तो इस तरह की कोई बात नहीं। नहीं अगर आप देखें लड़ाई हो गई, आप तो सऊदी होते, खैर घर होते नहीं है, ऐसे ही है? जी वो साथ कॉल करके। अच्छा बेगम साथ, मम्मी भी साथ? नहीं नहीं वो इधर होती है। अच्छा फिर तो लड़ाइयों का सीन ही कोई नहीं। अच्छा ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कभी कभार हो जाए किसी बात पे तो बेगम का क्या रद्द अमल होता है, कैसे बताते हैं? बस कुछ नहीं, बस सीरियस होके बता देती हैं। हाँ। कि ये मामला तो ये बात है। आगे से अम्मी क्या कहती है? कुछ नहीं, वही आपको पता जो हर घर के मामला होते हैं। जो क्या होते हैं मामला, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं सुनने आई हूँ। आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। ये आपने कहा तो मुश्किल सवाल ना पूछना, मेरे को मुश्किल सवाल। ये खवातीन के मार तो नहीं पड़नी घर से? नहीं नहीं ये खवातीन के मामला से ना मैं अक्सरियत में दूर ही रहता हूँ। अगर कोई इस तरह का इशू, दूर ही रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। अगर इस तरह का कोई इशू हो भी जाए तो मैं साइड पे निकल जाता हूँ, मैं कहता हूँ ना। अच्छा चले मुझे ये बता दें आप कि सस चंगी होए नहीं तो फोटो टंगी होए, इसमें कितनी सच्चाई? शर्मा गए। इस बात पे ना मुझे कोई सही सदाकत नहीं नजर आ रही है। नहीं सदाकत नजर नहीं आ रही। नहीं नजर आ रही। सदाकत का मतलब क्या होता है? जी फिर मुश्किल सवाल। आपको क्या लगता है मर्द शादी के बाद बदल जाता है या नहीं? बदल जाता है। क्यों बदल? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है और वो काफ़ी हद तक अपनी जिम्मेदारियों को पहचान के और क्या है कि खुद को चेंज कर ही लेता मेरे ख्याल से। अच्छा एक और बात भी होती है ना, अक्सर जब आप रिलेशनशिप में होते हो किसी लड़की के साथ, लव मैरिज हो रही हो आपकी या इंगेजमेंट के बाद वाला जो सीन होता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही होती है एक दूसरे के साथ, शादी के बाद जो है ना बंदा प्रैक्टिकल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसा क्योंकि सारा इंजॉय वो पहले ही कर लेता है। फिर सारी बातें पहले ही हो जाए तो इंसान ने प्रैक्टिकल ओपन तो होना ही है ना, उसको फिर वो चीज़ तो नहीं लगेगी जो न्यू लगनी चाहिए, क्योंकि उसने हर चीज़ का हर मोमेंट इंजॉय कर लिया होता है, इसीलिए पार्क शहर में घूमा होता है, खा पी लिया होता है और इंजॉय कर लिया होता है, पहले ही कर लिया होता है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ सास बहू की लड़ाई में आपको क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा जो है ना कसूर होता है? बहू का ज़्यादा कसूर होता है, आखिर क्यों? क्योंकि बहू ना जब शादी के बाद आती है ना तो अपने घर का हर मैटर ना अपनी मतलब कि जो उसकी मामा है ना उसके साथ जरूर डिस्कस करती है। उसकी मामा उसको पुट्ठे सीधे सवाल उसको सिखाती है, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और फिर वो क्या नाम लेते हैं, फिर मसले बढ़ते हैं क्योंकि फिर वो कम्प्रोमाइज ना करती। फिर हाँ सर मुझे ये बताओ सास चंगी हुई नहीं तो फोटो टंगी हुए क्या कहना चाहोगे? समझ नहीं लगे। सास चंगी हुए नहीं तो फोटो टंगी जाओ यार। सास चंगी हुए तो सही है, फोटो रहन दो। सही है, अगर अगर चंगी ना हो तो फिर भी हो सही। हो सही। खैर कोई बात नहीं, हम लोग लड़ाइयाँ छिड़ाइयाँ सह लेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी व्यूअर्स आज का हमारा टॉपिक था आम घर की बातों के बारे में, हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाजत और देखते रहे डेली धरती, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।